सभी को गुड आफ्टरनून। तो कॉलेज के लिए लेटेस्ट अपडेट मैंने बताया था कि कल आप लोग को लाइव दूंगा, सोचा कि चलो पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जितने क्या कर सकते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि मैं आप लोगों को एक साथ कम समय में आप लोगों को बता दूं कि क्या अपडेट है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट एकदम से। मैं वेट कर लेता हूँ, तब तक आप लोग जुड़िए एकदम। तो मैं इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ, और आप लोग कमेंट करके एक बार बता दो कि वीडियो क्वालिटी और क्या बोलते हैं उसको, साउंड ठीक से जा रही है ना मेरी। एक बार आप लोग बता दो कमेंट करके कि साउंड ठीक आ रहा है। जी, गुड आफ्टरनून राफिया इमाम। आप लोग वो बता दो कि आप लोग का सही है। मुस्तारी खातून, साउंड और वीडियो क्वालिटी बता देना आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को अपडेट बताऊंगा। सर, बीबीए का मेरिट लिस्ट कब आएगा, उसी का अपडेट करने वाला हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा एक साथ आप लोग आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, तो मैं बताऊंगा आप सबको। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट आएंगे सब लाइक कर देना एक बार। ठीक है, और बता दो एक बार कमेंट करके साउंड ठीक आ रही है आप लोग को। अगर साउंड ठीक आ रही है आप लोग यस टाइप कर दो। सर, बीबीए का मेरिट लिस्ट कब है, दिव्या झा मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है सर, साउंड इज गुड बट अनफॉर्चुनेटली पिक्चर क्वालिटी। ओके, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ अब। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी एक बार देख लो आप लोग। ठीक, पिक्चर क्वालिटी अब ठीक है, पिक्चर क्वालिटी एक बार देख लो। तो अगर पिक्चर क्वालिटी ठीक आ रही है तो आप लोग यस एक बार टाइप कर दो। साउंड ठीक है सर, बीबी वालों का एडमिशन डेट कब आएगा। बस मैं उसी का, नेहा शर्मा, मैं सबको अपडेट करूंगा। बस आप लोग इत्मीनान से रहे। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है अब देखना, वीडियो क्वालिटी इज वेरी पुअर सर। 1 मिनट रुक जाओ, अब बताना पीडब्ल्यूसी के लिए बीबी वालों का एडमिशन डेट कब तक आएगा। एडमिशन डेट आ चुका है, आप लोग एक बार बता दो कि क्वालिटी ठीक है तो मैं आप शुरू करूंगा। सबका क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, इसलिए तो मैं लाइव आया हूँ। 2 बजे आने वाला था इसलिए मैं पहले आ गया। ठीक है सर, बीबीए नेहा शर्मा मैं बताऊंगा आपका जो भी प्रश्न, सबका आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, अब बता दो अब। ठीक है, आप क्वालिटी बता देना सही है, अब वीडियो वीडियो क्वालिटी बताना। अगर वीडियो क्वालिटी ठीक है तो यस टाइप कर दो। लाइक कर देना जरूर। बीएमसी का 2 एडमिट लिस्ट सबका, रूही जूही रानी सबका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बीए के लिए सब सब A to Z जितना स्ट्रीम है पीडब्ल्यूसी में सबके लिए क्वालिटी सही नहीं है। क्या हो रहा है, क्वालिटी अभी भी सही नहीं आ रहा है। एक बार बोलना तो सब एक बार कमेंट करो यस, अगर क्वालिटी ठीक आ रही है तो यस टाइप करना। मेरे में तो साफ दिख रहा है। कौन सा एयरटेल नेटवर्क चल रहा है, फिर भी वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा स्टॉप करके फिर से आता हूँ। नो नो, 1 मिनट वेट कर लो, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके आता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप लोग वेट करो 1 मिनट, 1 मिनट। आवाज़ आ रही है मेरी, आप आवाज़ जा रही है तो आप लोग एक बार यस टाइप कर दो और बताना। सर, जिसका लिस्ट में नेम नहीं आएगा उसका एडमिशन होगा या नहीं। क्वालिटी ठीक है, एक बार कमेंट करो यस सर का क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी ठीक आ रहा है। आप लोग एक बार बता दो कमेंट करके, मैं फ्रेश करके आ गया। और अगर साउंड आ रहा है तो यस करो, क्वालिटी अच्छी आ रही है तो आप लोग यस टाइप कर दो। तो मैं चलता हूँ, आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा मैं आप लोग नोटिफिकेशन बताता हूँ। और एक एक करके आप लोग अपना प्रश्न पूछो, जिनका प्रश्न है वे लोग आप लोग बताओ प्रश्न क्या है आप लोग का। पहला ज्योतिष सिन्हा, हाँ क्वालिटी सही है, साउंड साउंड में भी यस टाइप कर देना। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सब अपना अपना क्या करते, लाइक कर देते हैं। आप लोग एक लाइक करते तभी हम लोग को मोटिवेट रहता ताकि मैं आप लोग को लाइव में आकर सब कुछ बता दूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वह बीए, बीएससी और बीकॉम और बीएमसी और बीबीए, जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का सेकंड मेरिट 100% आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो
पहला प्रश्न है कि बीए का जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स का एडमिशन डेट जो कैंसिल हुआ था वह डेट क्या हो गया है, जारी हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं ही आप लोगों को प्रूफ दूंगा कि कब से आप लोग का एडमिशन होगा सर पीडब्ल्यूसी में। अगर कास्ट कैटेगरी गलत फिल हो गया तो एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वहाँ पे जैसे ही आप लोग को मैम पूछेंगे तो आप लोग सही सही बता देना कि साइबर वाला ने गलती किया था, इसी वजह से ऐसे हो गया। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। ज्योति शर्मा आपका लिस्ट में नेम आया है ना, बीकॉम ऋचा सिंह। हाँ ऋचा सिंह बीकॉम क्या, चलिए तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बीए का जो नोटिफिकेशन आया हो। जैसे ही नोटिफिकेशन देखना होगा ना दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे ना दोस्तों, तो आप लोग को नीचे में दो अपडेट दिखेगा। एक दिखेगा आप लोग को यहाँ पे, देखिए अपडेट नोटिस और अपकमिंग इवेंट दिखेगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप लोग को यहाँ पे जाना है। देखिए इस वाले व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे ना, तक जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे टू एंड मेरिट लिस्ट आएगा, ऋचा सिंह टू एंड मेरिट लिस्ट पक्का आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज की अपडेट है AEEE इंग्लिश प्रोफिशियंसी टेस्ट नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आप लोग का जिनका एडमिशन हो चुका है उन सबका भी प्रोफिशियंसी टेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं 25 में दो दो है, बीकॉम का भी है और बीबीए का भी रिवाइज एडमिशन और बीकॉम बीएससी तीनों स्ट्रीम का क्या कर दिया गया, आपका रिवाइज एडमिशन लिस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आप लोग के मन में कौन सा सर मेरा रिजल्ट बीएससी 2 आया है, हम BC1 में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन तीन नोटिफिकेशन है आपके सर में, तीन नहीं चार होना चाहिए यहाँ पे, हाँ चार नोटिफिकेशन है AMM BBA BCA BMC इन सबका जो एडमिशन कैंसिल हुआ था सबका रिवाइज नोटिफिकेशन आ गया था। बात आते हैं यहाँ पे कब एडमिशन होगा, आप लोग बेसब्री से इंतजार होगा। तब कुछ नहीं करना, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड नहीं हुआ था, हम लोग क्या करेंगे सिंपली एक बैग जाएंगे। एक बैग जाते ही आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बीए का बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बीए वाले आप लोग जितने भी बीए के स्टूडेंट हैं वे लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, कब आप लोग का एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ यहाँ पे क्या आ गया है, निकल कर आप लोग का स्क्रीन पर, ठीक है। देख सकते हैं 25/7 यानी कि आज ही का डेट है, यहाँ पे आज सोमारी था ना इसलिए मैं भी गया था घूमने। तो यहाँ पे देखिए 25/7 है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो इंट्रेंस टेस्ट 2022, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, द फ्लोइंग कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द एंट्रेंस टेस्ट 2022। तो आप लोग का जो एडमिशन डेट है ना गाइस, तो आप लोग का एडमिशन डेट कब दिया गया है, 30/7 को। अगर जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं चेक कर पाए वे लोग यहाँ पे अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग अपना यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सेम कैटेगरी का आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा लिस्ट, ठीक है, कि सेम है ना। इंग्लिश ऑनर्स में 68 स्टूडेंट होंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले में कितने स्टूडेंट हुए, 68 लोगों का नाम होगा, ठीक है। ये बीए इंग्लिश वालों के ऊपर जो लिस्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला इंग्लिश ऑनर्स का है, ठीक है। उसके बाद नीचे जितना स्ट्रीम आता है ना बीए में उन सब का नीचे की ओर दिया गया है यहाँ पे देखिए रोल नंबर, और उन लोगों का भी एडमिशन डेट कब है, सेम है आप लोग को 30 जुलाई को आप लोग का एडमिशन होगा बीए ऑल स्ट्रीम। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बीए के जितने भी स्ट्रीम हैं उन सबका एडमिशन 30 जुलाई को होने वाला, देख सकते हैं आपका रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार अपना रोल नंबर, नीचे में भी सब जितना ऑल स्ट्रीम बीए में जितने भी सब्जेक्ट लिए होंगे ना उन सबका रिजल्ट है इसमें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऊपर जो दिया गया है इंग्लिश ऑनर्स है, नीचे में कोई भी स्ट्रीम का नाम नहीं दिया गया है, इस वजह से कन्फ्यूज़ होते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 68 ऊपर जो है इंग्लिश ऑनर्स का सिर्फ है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत किसी को, एडमिशन डेट आप लोग जान लिए होंगे जो बीए का एडमिशन रिवाइज एडमिशन डेट कब है, 30 जुलाई को। दिव्या मेरी एक फ्रेंड है जो जनरल है की है एंड उसका मार्क्स 45 आ गया, तो मेरा 60 था, 60 वालों का बना है रिजल्ट इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड मेरिट लिस्ट पक्का आएगा। आप लोग इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, मैं अपडेट करूँगा, मेरा भी नहीं हुआ। श्रुति वर्मा, दिव्या मेरी एक फ्रेंड है, दिव्या ही कमेंट कर रही है शायद, दिया या दिव्या पता नहीं। एक बार जिनका भी जिनका नहीं हुआ वे लोग सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार करें, उन लोगों का पक्का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सबका टाइमिंग दिया हुआ है, जहाँ पे आपका रोल नंबर शो करेगा आपका एडमिशन डेट और टाइमिंग उसी दिन है। यह नोटिफिकेशन आप लोगों को कहाँ मिलेगा,
टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, जो जिनको नहीं पता है आप लोग ऑफिशियल टेलीग्राम, तो आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर एजुकेशनल न्यूज़ ऑफिशियल सर्च कीजिएगा। सर बीसीए का बताओ आप, ओके, मैं बीसीए का बीबीए बीएमसी तीनों का एक साथ बताऊंगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग जितने भी बीए वाले स्टूडेंट होंगे उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं एसटी का भी यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया। तो दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट के रूप में जितने स्टूडेंट हैं बीए वाले, वे लोग क्या क्या लेके जा सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो जा सकते हैं लेकर, नहीं तो नहीं। एक बार याद रखिए, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जितना फी होगा ना, ये बीबीए वालों का है, बीए वाले स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का फी 18,620 रुपये पेड करना होगा। ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा वहाँ पे, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग, उसी दिन पेमेंट करवा लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट के रूप में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, वो ये आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं बीसीए बीबीए और बीएमसी का रिवाइज एडमिशन डेट कब निकाला गया, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप लोग, और किसी को कोई दिक्कत है, मार्क्स कहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ बताइए। श्रुति वर्मा, आप लोगों को बता दो कि मार्क्स दिखाया नहीं गया, ठीक है? आप लोग को यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर शो करेगा, ठीक है? तो बीसीए बीबीए बीएमसी वाले हो जाइए तैयार, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग को तीनों स्ट्रीम जितना है। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यार, बार बार नोटिफिकेशन ही गायब हो जा रहा है। मार्क्स नहीं शो करेगा इसमें, मार्क्स आप लोग जो दिए हैं पेपर आप लोग को दिया गया हुआ, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे अब है बीबीए बीसीए और बीएमसी, यानी कि बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इन तीनों का आप लोग देख सकते हैं एडमिशन डेट टाइमिंग सब आ गया। सर अपना टेलीग्राम चैनल बता दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशनल न्यूज ऑफिशियल, सर्च करेंगे आप लोग आ जाएगा, सेम लोगो रहेगा आप लोग को, ठीक है? तो चलिए बीसीए बीबीए और बीएमसी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग का क्या है क्या नहीं, मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए का, तो यहाँ पे आप लोग को ऊपर में ही आप लोग का जो एडमिशन टाइमिंग दिया गया है कब है, 29 जुलाई, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है? 29 जुलाई। वीडियो क्वालिटी ठीक है ना आप लोग, यस एक बार टाइप कर दीजिए, ठीक है? तो बीबीए का एडमिशन टाइमिंग कब है, 29 जुलाई, ठीक है? और आप लोग का टाइमिंग कितने बजे से है, 9 बजे सुबह, 9 AM अपराह्न 9 बजे से आप लोग का टाइमिंग है। 10 आधा घंटा में आप लोग का एडमिशन करा लेना होगा, ठीक है? यानी कि आप लोग स्कूल में 8:30 को पहुँच जाना है। सर व्हेन विल बी द स्टूडेंट मेरिट लिस्ट बी बिकम, मैं आप लोग 31 तारीख को फाइनली बता दूंगा कि स्टूडेंट मेरिट लिस्ट किसका किसका जारी होने वाला है, ठीक है? एकदम कंफर्म सीट यही है। तो प्रॉब्लम है कि मार्क्स नहीं पता चल रहा है कॉलेज का, मार्क्स नहीं दिखाया जाएगा सर। अगर दूसरा लिस्ट में नेम नहीं आएगा तो एडमिशन होगा या नहीं सर? देखिए अगर दूसरा लिस्ट में नहीं आएगा, अगर तीसरा मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता, डायरेक्ट आप लोग का स्पॉट एडमिशन होगा। अगर सीट खाली रहेगा तो स्पॉट एडमिशन होगा, पहले जाओ पहले आओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा इसमें एडमिशन, ठीक है? यहाँ पे देखिए बीबीए का आप लोग देख ले, अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है? किसी का चेंज तो नहीं ना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए वालों का एडमिशन डेट और टाइमिंग कब है, बीसीए वालों का एडमिशन टाइमिंग है 29 जुलाई। बीसीए बीबीए बीएमसी इन तीनों का एडमिशन टाइमिंग कब है, 29 जुलाई को आप लोग का एडमिशन है, और बीबीए का टाइमिंग है 9 बजे से और बीसीए का टाइमिंग है 10 बजे से, ठीक है? ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे बीसीए वालों का रोल नंबर यहाँ पे है, ठीक है? सर रोल नंबर तो शो कर रहा है क्या, मार्क्स हम अपना चेक कर सकते हैं? नहीं, मार्क्स यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को, ठीक है? मार्क्स यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद देखिए माइक्रो एम बायो का देख सकते हैं यहाँ पे है, एम बायो का आप लोग का एडमिशन कब से होगा, तो आप लोग को 11 बजे से एम बायो का होगा, बीबीए का 9 बजे से, बीसीए का 10 बजे से और एम बायो का 11 बजे से होगा, ठीक है? आधा आधा घंटा टाइम सबका दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बीएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया वालों का कब से एडमिशन होने वाला है, तो 29 जुलाई को इनका भी एडमिशन होगा, कितने बजे से, 12 बजे से, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं नेहा ठाकुर, सर कास्ट कैटेगरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आप लोग का। समर नेहाल, कोई दिक्कत नहीं होगा, कास्ट प्रॉब्लम में वो थोड़ा छोटा मोटा गलती चलता है सर। स्टूडेंट मेरिट लिस्ट
है क्या? नहीं, टू एंड मेरिट लिस्ट नहीं है, रिवाइज लिस्ट है। रिवाइज मतलब पुनः आप लोग का रिजल्ट जारी किया गया है एडमिशन के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे मिला सके अच्छे से। अगला है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज CEMS का, देख सकते हैं उन लोगों का भी एडमिशन 29 तारीख को ही होने वाला है, जुलाई में 12 बजे। इसमें कम ही स्टूडेंट हैं। AMM यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए मात्र 5 स्टूडेंट, इनका भी एडमिशन 12 बजे से होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग BBA BCA BMC MBio और AMM और क्या इनका नाम है MBio और AMM का पता चलेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आएगा क्या? नहीं, इसमें नाम नहीं आएगा, सिर्फ रोल नंबर आएगा इसमें। तो आप लोग देख लिए होंगे आप लोगों का कब एडमिशन टाइमिंग है BCA BMC MBio वाले को। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट को बताते हैं अगला स्ट्रीम कौन सा होना, BCom और BSc बचा है ना, तो चलिए BCom और BSc वालों को देखते हैं। BCom और BSc वालों का एडमिशन कब होने वाला था, आप लोग लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं BCom का, देखते हैं BCom का क्या स्थिति है यहाँ पे। सर, टू एंड मेरिट लिस्ट सेकेंड परफॉर्मेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा? यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BCom का है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये वो लोग अपने से देंगे। नहीं देखो, यहाँ पे आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कुछ नहीं, ड्रेस कोड चेक किया जाता है, ठीक है। BMC का टू एंड मेरिट लिस्ट आएगा, सबका आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट। MCA का आ गया ना सेकंड मेरिट लिस्ट, अब बचा हुआ है इन्हीं लोगों का आएगा, UG का बचा है। BMC का टू एंड मेरिट लिस्ट 31 तारीख को मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए BCom का एडमिशन डेट और टाइमिंग बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन जो डेट यहाँ बताया गया 28/7 को, आप लोग का एडमिशन टाइमिंग है। BCom वाले स्टूडेंट 28 जुलाई को जाकर एडमिशन कराएंगे। टाइमिंग आप लोगों का कितने बजे से है? 9 बजे से। और किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। BCom वाले स्टूडेंट का रिवाइज एडमिशन टाइमिंग दिया गया कब? 28 जुलाई को सुबह 9 बजे से। आप लोग अपना एक बार रोल नंबर जरूर मिला लीजिए, क्योंकि रिवाइज यहाँ पर रूटीन निकाला गया है और रिजल्ट भी, ठीक है। तो हो सकता है मिस्टेक हो सकता है। सर, कट ऑफ कितना गया है? कैटेगरी बताओ अपना, आप जनरल की हो दिव्या, अपने में बतिया रहे हो, बतिया लो। जनरल वालों का ज़्यादा नहीं गया है। इसका टू एंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? 31 तारीख को फाइनली बता दूंगा किसका किसका आने वाला है मेरिट लिस्ट आप लोग का, ठीक है। वैसे भी मैं डेली अपडेट करता हूँ PwC का। एडमिशन डेट देख सकते हैं यहाँ पे BCom वाले का, जो कैटेगरी वाइज BC1 में आया है उन लोगों का 12 बजे से एडमिशन है BC1 वालों को, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी है आप लोग का। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन टाइमिंग कटे BC2 वालों को है 1:30 बजे से। BCom वाले ध्यान से दे, 28 जुलाई को आप लोग का एडमिशन है। और आप लोग एडमिशन टाइम पे ये सब PDF आपको कहाँ मिलेगा? सब टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लाइव जैसे ही ख़त्म होगा, और याद रखिए आप लोगों का फर्स्ट पेमेंट पूरा ले लिया जाएगा आपको। BCom का फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी कितना है? 42,220 रुपया, ठीक है। ये BCom वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, साउंड ठीक आ रहा है मेरा। सर, BA का सेकंड मेरिट लिस्ट में जनरल का कितने कटअप? देखो इसमें सेकंड सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोग को मैं बता दूं कि जो बचा हुआ है ना सबको डाल देगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। और उनका 12th में, अगर आप लोग का 12th में अच्छा परसेंटेज रहेगा ना, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है। तब बचा हुआ है कौन? BSc, अब स्ट्रीम बचा हुआ है तो BSc का भी दिखा देते हैं। तो BSc का चलिए यहाँ पे BSc का भी डाउनलोड होकर, सर मेरा 55 से 60 आएगा क्या हो जाए? हाँ कन्फर्म आपका आ जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है। यस सर, साउंड क्लियर है, थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए BSc का, यहाँ पे देख सकते हैं जिनका 55 से 60 में है तो उनका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए BSc वाले स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, भाई BSc वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन लोगों का जो एडमिशन डेट दिया गया है कब? 27 को। उनका टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। BSc का मैं पहले भी बताया था कि चेंज नहीं, सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट से फर्स्ट परफॉर्मेंस ही मिलेगा ना, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग का जो BSc वाले स्टूडेंट, आप लोग का एडमिशन टाइमिंग कब है? 27 जुलाई। टाइमिंग कब है आप लोग को? सुबह 9 बजे। BA का श्रुति वर्मा, BA का क्या 55 से आ जाएगा? 55 से 60 है ना, तो आप लोग वेट कर लीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। सर, BA हिस्ट्री ऑनर्स का कितना नंबर होना चाहिए? इंटर में कितना परसेंट है आपका?
इंटर में कितना परसेंट है बता दो। यहाँ पे देखो बीएससी वाले स्टूडेंट आप लोग 27 जुलाई का जाकर एडमिशन करा लीजिए। कितने बजे से? जो जनरल कैटेगरी है उनका एडमिशन होगा 9 बजे से, जो जनरल है और बीसी वन वाले जितने भी होंगे सबका एडमिशन ऑन टाइम होगा। बस जूलॉजी वाले जो बीएससी जूलॉजी हैं उन लोगों का टाइमिंग कब है? 10 बजे से। बीएससी जूलॉजी वाले बीए हिस्ट्री ऑनर्स का कितना नंबर? तो सर कैसे मिलेगा? 75% है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहो हो जाएगा आपका। 75% है, एकदम बेफिक्र रहो। बीएससी जूलॉजी वाले को जो जनरल का एडमिशन होगा 10 बजे से, और बीसी 1 और बीसी 2 एससी एसटी वाले उन लोग का एडमिशन सेम डेट में होगा। और वही स्टैटिक्स, बीएससी स्टैटिक्स सर 75% है, मेरा 12th है, पीडब्ल्यूसी में हो जाएगा मेरा बीबीए, मिल जाएगा। 45 पर भी होगा क्या? ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन आ जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी स्टैटिक्स वालों का, यहाँ पे देख सकते हैं 46 से इतना है। आप लोगों का टाइमिंग कब है? 11 बजे। तो दोस्तों आप लोग सबका देख लिया होगा स्ट्रीम। यहाँ पे बी फिजिक्स वालों का भी 27 तारीख को ही है 12 बजे से। ये सब आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं वे लोग फर्स्ट सेमेस्टर फी जमा कर दीजिएगा ताकि आप लोगों पीडब्ल्यूसी में कोई दिक्कत हो। सर ओरिजिनल मार्कशीट तो है नहीं, तो प्रिंट आउट कोई दिक्कत मत, जो है आपके पास वो लेकर जाना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का फी है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोगों का फॉर्म इजीली भरा जाएगा, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अगर नहीं अगर बोलेगा भी तो आप लोग का एडमिशन प्रोविजनली हो जाएगा, ठीक है। बस फी पेमेंट क्लियर कर देना है। यहाँ पे चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ प्रोफिशियंसी टेस्ट कब होगा। प्रोफिशियंसी टेस्ट में कुछ नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि आखिर प्रोफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा। प्रोफिशियंसी टेस्ट में होता कुछ नहीं है, बस आप लोग का ड्रेस कोड देखा जाएगा, वहाँ पर रूल रेगुलेशन बताया जाएगा, आप लोगों को कैसे रहना है, कैसे रूल फॉलो करना है, सारी जानकारी आप लोग को वहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफिशियंसी टेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं इसके में क्या बोला गया है। देयर विल बी अ प्रोफिशियंसी टेस्ट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु सेमेस्टर ऑफ सेमेस्टर 1 हु हैव ऑप्टेड फॉर AECE इंग्लिश एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इन लोगों का प्रोफिशियंसी टेस्ट होगा जो इंग्लिश लिए हैं AECE में, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जाम कब से है इन लोगों का? तो देख सकते हैं 22/8 यानी कि 22 अगस्त को है, 11 बजे से 1:15 तक, ठीक है। इसमें यही सब बताया जाएगा आपको प्रोफिशियंसी टेस्ट में। स्टूडेंट शुड रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑन आवर बिफोर द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 15 मिनट्स। कुछ नहीं, बस पूछेगा हल्का फुल्का और देखेगा आपका क्या बोलते हैं उसको, एचआर जो इंटरव्यू लेता है उसको क्या बोलते हैं, बस देखता है क्या है क्या नहीं। तो आई होप आप लोगों का दिक्कत हो था वो सबका क्लियर हो गया। और सर एडमिशन के टाइम पे परफॉर्मेंस चेंज होता है क्या? नहीं, कुछ चेंज नहीं था, बस आप लोग को मैं जो बोला हूँ वो क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ आप लोग को, यार मैं बोलते बोलते थक गया। 13 आप लोग लाइक करो, तो 10-13 पहुँचा तो लाइक, देखते हैं कौन कौन लाइक करता है। और किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे। सर बाद में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? हाँ, सब्जेक्ट अगर आप लोग को इच्छा नहीं है, जो हम सब्जेक्ट लिए हैं वह सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन से पहले तक आप लोग सब्जेक्ट चेंज करा सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो, ठीक है। जितना स्ट्रीम चेंज कराना है वो आप लोग स्ट्रीम सॉरी रजिस्ट्रेशन से पहले कर सकते हो। और कोई दिक्कत? सर बीए का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? 31 जुलाई तक आप लोग वेट कर लो, मैं बताऊंगा सबका, ठीक है। क्योंकि वैसे भी डेली अपडेट हो रहा है, अभी पीडब्ल्यूसी का सिस्टम ठीक हो गया, जो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था ना पीडब्ल्यूसी का वो सही हो गया, अब डेली अपडेट होगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो एमसीए का सेकंड मेरिट लिस्ट आ गया है, ठीक है। और सबका धीरे धीरे आएगा, इसीलिए जैसे जैसे एडमिशन होगा वैसे वैसे आएगा आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट भी। श्रुति वर्मा सर बोलो क्या और कोई दिक्कत है किसी को? सर पक्का बीबीए में हो जाएगा ना, 100% हो जाएगा।
जूही रानी, और कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे, वेलकम। और फटाफट आप लोग शेयर भी कर देना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आता हूँ स्पेशल लाइव। यार मैं एडिट करके कितना पोस्ट करूँगा। कौन कौन सोमारी किया हुए लोग, रेज योर हैंड। आज सोमारी था ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने बहुत हेल्प कर दे। अरे कोई नहीं यार, कौन कौन सोमारी किया था, मैं सर, थैंक यू। जो जो सोमारी किया था महादेव, एक बार कमेंट कर दो। पेमेंट वही करना पड़ता है ना सर? हाँ बिल्कुल, वहीं पे करना होगा आप लोगों का पेमेंट, ऑनलाइन करना होगा। ओके महादेव सर, महादेव टाइप कर दो। जो जो सुमारे किए थे सब लोग महादेव टाइप कर दो। यार मैं भी गया था, घूमने गया था, इसलिए मैं इस टाइम लाइव आया हूँ। नोटिफिकेशन सुबह ही आया था, लेकिन मैं घूमने गया था। मैं भी बीए में जो ओपीटी किए हैं इंग्लिश, उनके बारे में है क्या ये? सबका इसमें A to Z है, मैंने सबका नोटिफिकेशन बता दिया ऑलरेडी, आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। ओम नमः शिवाय। गूगल पे से पेमेंट हो जाएगा ना? हाँ सब वहाँ पे चलता है, क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, सिर्फ डेबिट कार्ड चलेगा वहाँ पे। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोग क्या क्या से पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे, रुक जाओ। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ से पेमेंट आप लोग कैसे करोगे। पेमेंट 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 किधर गया? पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे है, एडमिशन प्रोग्राम। 1 मिनट गाइज, मैं थोड़ा सा देता हूँ आप लोग को। बस 3 ही 4 लोग आप लोग किए थे सुमारी। वहाँ पे आप लोग एक फॉर्म दिया जाएगा फिल करने के लिए, वहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा पेमेंट में, क्योंकि PWC का नेटवर्क जो है ना अब ठीक हो गया है। बस ओपन होने दो। गूगल पे से पेमेंट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन दिख रहा है, सिर्फ नोटिस रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ आप लोग क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है? पेमेंट वाला ऑप्शन कहाँ गया? रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, पेमेंट। और कोई दिक्कत है तो पूछो, मैं बताऊंगा। इसका पेमेंट वाला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। एग्जाम्स एंड रिजल्ट, क्लिक मोर रिजल्ट, यहाँ पे पेमेंट पेमेंट पेमेंट। वहाँ पे सर आप लोगों को कॉल से इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस लगे हुए रहते हैं, लगातार लगातार वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ता है, तभी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाती है आप लोगों को। देखो यहाँ पे जो एडमिशन का जो फी है ना, इधर ही आएगा। आप लोग नीचे देखिए, सर OAAEE नहीं है, ACCC है। इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो BA इंग्लिश ऑनर्स लेने वालों के लिए है क्या? नहीं, उन लोग वो स्पेशल कोर्स है, ठीक है? ये आप लोगों का नहीं है, जो स्पेशल AEEE इंग्लिश स्पेशल करते हैं ना उनके लिए है, ठीक है? और कोई दिक्कत? 12 लोग 12 लाइक। यहाँ पे आप लोग एडमिशन वाला जो फी वाला है ना, फी वाला मुझे मिल ही नहीं पा रहा है यार। मैं कैसे तो निकाल भी देता था, आज मेरे को मिल नहीं पा रहा है। दे रुक जा मैं निकाल है। सर आप क्या बता रहे हो, सर आप क्या बता रहे हो, आपको क्या जानना है आप पूछो। मनीषा कुमारी, आप पूछो क्या है आपको, आपको क्या दिक्कत है, जो दिक्कत है आप पूछो यहाँ पे। सर उसका PDF डाल दीजिए, मैं डाल दूंगा PDF। मैं जैसे यहाँ से लाइव ख़त्म होगा ना, मैं सबका जितना भी स्ट्रीम है सबका मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है? उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लो।
सर उसका PDF ओके दिव्या। और कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग का? दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो कोई भी प्रश्न, जैसे कि रिजल्ट के बारे में, और क्या बोलते हैं, किसी को पेमेंट वगैरह दिक्कत हो रही है वो भी पूछ सकते हो आप लोग। सर एक पेमेंट कैसे करें उसका एक वीडियो बना दीजिए। पेमेंट का से रिलेटेड मैंने बना दिया हूँ, ठीक है। PwC प्लेसमेंट, PwC इवेंट स्पोर्ट्स, पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट वाला मैं बता दिया हूँ आप लोग। पेमेंट के कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सिंपली जाइएगा, आप लोग वहाँ एक पोर्टल, वहीं आप लोग को मैसेज देगा, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज में ही, कॉलेज के जो काउंटर बना है ना एडमिशन का, उसी पे जाके। ममता सिंह सर गूगल पे या पेटीएम यूज़ हो सकता है ना? हाँ हो जाएगा, आप लोग ATM लेकर जाना, लेकिन साथ में ATM डेबिट कार्ड लेकर जाना। सर आप अपना नंबर दे दो, नंबर दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग को नंबर मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को वैसे भी। सर पे फोन यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ जो भी आपके पास है आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे BSC रिवाइज नोटिस, सर फोन पे से हो जाएगा ना? हाँ फोन पे, गूगल पे, पेटी, और किसी को कोई दिक्कत? PwC पेमेंट ऑप्शन, द PwC पेमेंट सेमेस्टर फी, SGST सेमेस्टर फी। सर पे फोन से हो जाएगा? हाँ सर एक क्वेश्चन है, पूछो जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फी कलेक्शन है ना, देखिए जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग फी कलेक्शन के पोर्टल पे ही मैं लेकर आप लोगों को आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियली। सर किस चीज़ का पेमेंट के बात कर रहे हैं आप? थी कहाँ? जो यहाँ पे पेमेंट की बात हो रही है ना, जो PwC में एडमिशन लेने वाले हैं 27, 28, 29 और 30 जुलाई को, यानी कि 27, 28, 29 इन सब डेट में एडमिशन होने वाला है सबका UG में, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जो BA, BSc, BCom, BBA, BMC, MBio, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका एडमिशन होने वाला, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का फी जमा करने के लिए है, उसी के पेमेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो नया रिवाइज डेट आया उस सबका बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना होगा आप लोग को, एक एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा कॉलेज में, आप लोग फी पेमेंट करने के लिए यहीं से बोलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे चुपचाप क्या करना है, आपको एडमिशन फॉर्म नंबर डालना है, उसके बाद आपको इस वाले सेक्शन में क्या करना है, डिग्री, डिग्री में आपको क्या सेलेक्ट करना है, आप UG हैं कि PG हैं कि BEd है कि PGDC है कि या PGDFD है कि या MCA है, ये आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर UG है, अंडर ग्रेजुएट है, तो आप लोग क्या सेलेक्ट करना होगा, UG सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आप लोग कोई, आपको एप्लीकेशन नंबर एक रहेगा, आप लोग यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फिल करना है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कहने का मीनिंग है आप BBA हैं कि BCA हैं कि BMC है या BSc है या AMM है कि या बॉटनी है या CEMS है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, MBio, साइकोलॉजी, फिजिक्स, जो आपका स्ट्रीम है वो वहाँ पे क्या करना है, डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग BCA से होंगे तो BCA सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर है, यहाँ पे सेमेस्टर आपको फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, ठीक है सर। बाद में BBA का स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकते हैं, हाँ आप चेंज कर सकते हो। आप लोग फ्री हो कब तक? जब तक आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लोग फ्री नहीं होंगे कि आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज करा सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर कास्ट वाइज कैटेगरी गलत फिल होने के वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं कोई कैंसिल नहीं होगा, बस आपको जो असलियत है आप लोग को एडमिशन डिपार्टमेंट में जाके आप लोग बता दीजिएगा, और फी पेमेंट एकदम
पूरा लेकर जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सेलेक्ट रहेगा ना, ये सेमेस्टर वन ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। सेमेस्टर वन चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले सर्च पे क्लिक करोगे ना तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। कौन से मोड में आपको पेमेंट करना, देख सकते हो यहाँ पे इनकॉरेक्ट फॉर्म आईडी, क्योंकि मैंने फॉर्म मेरे पास है नहीं तो मैं फॉर्म डालूंगा क्या। सर फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का अलग अलग टाइमिंग एडमिशन, हाँ बिल्कुल, जितना भी स्टूडेंट है सबका टाइमिंग अलग अलग है। जो भी स्टूडेंट है वे लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम पे जाके अपना डेट देख सकते हैं। देख यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो पेमेंट का आप लोग ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप लोग फिल करके सिंपली क्या करना होगा, इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने के ऑप्शन देगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब। सर PWC में फ़ोन अलाउ है, हॉस्टल में, अरे सभी जगह अलाउ होता, बस थोड़ा अलर्ट रहना और क्या। आज कौन नहीं फ़ोन रखता आज के डेट में, सबके पास फ़ोन होता है, ठीक है। बस कॉलेज स्ट्रिक्ट है, आप लोग ध्यान देना, और किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लो, मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ यार, घूम कर आया हूँ। अगर PWC में नहीं हुआ सर तो क्या करेंगे, PWC में नहीं हुआ तो आपको मैं बता दूँ कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यानी कि PPU का फॉर्म भरा रहा है, वह 31 जुलाई तक भराएगा, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, पेमेंट से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। पेमेंट वाले में किसी का दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, मैं बता दूंगा आप लोगों को। PWCERP, चलो आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं। सर लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, हाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप, फ़ोन, आईफोन, मैक, सब यूज़ कर सकते हो आप लोग। बस ध्यान देना है आप लोगों को, ड्रेस कोड जो आप लोगों को प्रोवाइड की कराया जाएगा, आप लोगों को प्रॉपर ड्रेस कोड, आईडी कार्ड, ये सब में होना ज़रूरी है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो अलग टेलीग्राम से अपना PDF डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सर हॉस्टल में एक रूम में कितने बेड, दो मिलेगा, दो। सर लैपटॉप यूज़ कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नेहा शर्मा, शर्मा जी दो यहाँ पे PWC हॉस्टल, PWC हॉस्टल। सर लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, हाँ सर, सर हॉस्टल सबको अलॉट होता है, जिसको ज़रूरत होता है ना उस वही यूज़ कर सकता है, ठीक है। जिन लोगों का ज़रूरत होता है सर, कितना देर तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक आप लैपटॉप में आपका बैटरी ख़त्म ना हो जाए तब तक यूज़ कर सकते हो। अब मुझे अच्छा लगा सर आपका अपडेट सुनकर, थैंक यू। देखो यही है हॉस्टल आप लोग का, PWC का, देखो स्क्रीन पे। स्क्रीन पर दिख रहा है ना आप लोग को, बारिश आ रहा है यार, ठंड का ना गिर जाए मेरे ऊपर, छत पे बैठ के अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, अगर कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप लोग यस टाइप कर दो, अगर दिक्कत है तो नो टाइप करो, ठीक है। उसके बाद मैं लाइव बंद करूँगा क्योंकि CBSE वालों का भी टाइमिंग है। देखो स्क्रीन पर देखो कितना है आप लोग को हॉस्टल डिटेल्स। सर हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, वो फॉर्म भरने के लिए आपको मिलेगा वहाँ पे कॉलेज में, PWC जाओगे ना तो वहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरह का आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, ठीक है। रजिस्टर टू डाउनलोड हॉस्टल डिटेल्स, इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तभी आप लोग को कॉलेज में जाओगे मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग, सर BA का फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पैसा लगेगा, BA में मैंने बताया था शायद 18,000 कुछ रुपया, रुक जाओ मैं बता देता हूँ, एक मिनट एक मिनट। कहाँ थी आप, पटना वुमेन्स कॉलेज, सबको बताया था मैं कितना फी लगेगा, सब A to Z। BA हो ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, सर BA का, मैं एक मिनट एक मिनट, बस बस बता रहा हूँ, BA फिर से डाउनलोड होने पर गया। देखो BA वालों का जो फी है ना हॉस्टल,
हॉस्टल और कॉलेज में जाओगे, नया अपडेट नहीं हुआ सर हॉस्टल कैसे मिलता है? कॉलेज में एक फॉर्म मिलता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, उसके अनुसार आपको मिलेगा सर। वेरी वेरी थैंक यू, ओके वेलकम। द बीए वालों का जो फी मैंने बताया था 18,620 रुपये बीए का सेमेस्टर फी है, फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर का फी कितना है? 14,000। थर्ड सेमेस्टर का फी कितना है? 18,500। चौथा सेमेस्टर का 14,000। फिर पाँचवा सेमेस्टर का 18,300 और सिक्स सेमेस्टर का 15,000 फी है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे देख सकते हो, बीए जितने भी स्ट्रीम है बीए में उन सब का यहाँ पे देख सकते हो फी कितना है सर। बीए के लिए हॉस्टल फी कितना, वो देखो हॉस्टल का जो है ना पुराना फी है, अपडेट नहीं हुआ, इसलिए मैं हॉस्टल के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी तक नया वाला प्रोस्पेक्टस आया ही नहीं है हॉस्टल का, ठीक है। इसीलिए आप लोग कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आप लोग अच्छे से मिलेगा, आपको फॉर्म मिलेगा, आप लोग देख कर भर देना, ठीक है सर। बीबीए का फी एक एक करके आते हो, रुक जाओ। बीबीए का है ना, मैं यह डाउनलोड किया हूँ सबका। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, BBA हो ना, BCom, BBA कहाँ गया यार, रुक जाओ बताता हूँ यार। BBA ना यहाँ पे है, देखो BBA का फी है, आप लोग बार बार पूछते हो, मैं सबका फी बताया था शायद। देखो BBA का जो है फी यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना आप लोग, BBA का फर्स्ट सेमेस्टर का फी है 43,750 रुपये, जो कि आप लोग को 1 रुपया 50 पैसा भी नहीं छोड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का फी है 38,040 रुपया, BMC का फी है 43,750, AM का 31,650। BA का प्लेसमेंट होता है? BA का प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि BA इज़ अ नॉट अ जॉब ओरिएंटेड कोर्स। आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कौन कौन है? BBA है, BCA है, BMC है, AM है और CEMS है, सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसमें प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो फी अपना, BBA का प्लेसमेंट होता है, हाँ बिल्कुल होता है, BBA का बैंक वगैरह में बहुत जल्दी हो जाता है आप लोग का। BBA, BCA, BMC ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और AMM और CEMS, MBO ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ये सब कोर्स करने से आपको जॉब मिलेगा तुरंत। सर PW से है, BA के लिए हॉस्टल फी पहले कितना था वो बता दीजिए। ज़्यादा नहीं था वो, मैं क्या बोलूँ यार, पहला वाला प्रोस्पेक्टस ही मेरे पास नहीं है तो क्या बताऊँगा मैं। देख लेना पुराना वाला, क्या जानना है आप लोग, लेटेस्ट अपडेट देख लेना जाकर वहाँ पे, या हॉस्टल का पूरा डिटेल्स नहीं डालते हैं लोग साइट पे, ठीक है, इसीलिए मैं हॉस्टल के बारे में नहीं बताया हूँ किसी को नहीं। ओके सर, BBA का इंटर्नशिप देता है क्या कॉलेज? हाँ आप लोग देखो किसका किसका इंटर्नशिप मिलेगा, BBA, BCA, BMC, MBO और CMS, इन सब का आप लोग को लास्ट सेमेस्टर में, देखो BCA और BBA का तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप मिलेगा, BBA का फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा और BCA का लास्ट सेमेस्टर में मिलेगा इंटर्नशिप, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा आप लोग को, सॉफ्टवेयर बनवाया जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत? फी वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सर हॉस्टल में रहने के बाद साइड से कोचिंग कर सकते हैं, जो भी करना है वो सब कर सकते हो, ठीक है। बस 75% आप लोगों को अटेंडेंस होना ज़रूरी है, पेड या अनपेड इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप अनपेड होता है, ठीक है। वो आप लोगों को फी भी देगा, जहाँ पे आप लोग इंटर्नशिप कराया जाएगा ना वहाँ पे आप लोगों को फी भी देगा शायद, मे बी 50% देता है शायद। तो दोस्तों आई होप आप लोगों का सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया होगा। तो मैं क्या करूँ अब, लाइव में बंद कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग नो टाइप करो, और ऐसे ही अपडेट के साथ हम लोग क्या करेंगे, आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो दोस्तों आई होप सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तो चलिए बाय बाय।